Welcome back to my YouTube channel, myself Shreya Desarkar, and I'm here with another video. So let's get started. So आज आप यहाँ पे जो तीन क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये तीन क्वेश्चन मैं 2 सेकेंड्स के अंदर आसानी से सॉल्व कर दूंगी तो क्या आप बिलीव करोगे? नो राइट? पर अगर आज आपने मेरी ये वीडियो एंड तक देखी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आप मुझ पे बिलीव भी करोगे और साथ ही साथ आप ये क्वेश्चंस खुद 2 सेकेंड्स के अंदर आसानी से सॉल्व कर लोगे। कैसे जानना है तो एंड तक बने रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरे चैनल पे काफी सारे वीडियोस हैं अलग अलग टॉपिक्स के, लाइक डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, इंटीग्रेशन, काफी सारे। इवन वैदिक मैथ्स के भी है, शॉर्ट ट्रिक्स काफी सारे है, आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, या तो आई बटन में क्लिक कीजिए और मेरे अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस देखिए, सीखिए शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए अब हम इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सो आज इस 3 क्वेश्चंस को करने के लिए मेरे पास एक अमेजिंग सा फॉर्म है, आप देख सकते हो। सो बस आपको क्या करना है, आपको बस ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन कैसा है और उसके हेल्प से जो भी, मतलब जब भी आपको ऐसे फॉर्म के क्वेश्चंस मिले, यानी कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx/cos²x + b²sin²x के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन जब भी आपको मिले, आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं ये फॉर्मूला, दैट इज π/2ab। यहाँ पे जो a² और b² है, यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी चाहिए, दैट इज ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हुआ, a² की जगह में अगर 3 रहा, जैसे कि मान लीजिए इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx/3cos²x + 5sin²x, यहाँ पे भी आप a भी निकाल सकते हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हुआ तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तब भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मान लीजिए तब आपका, जब आपका यहाँ पे a² की जगह पे 3 होगा और b² की जगह पे 5 होगा, तब आपका a आ जाएगा √3 और b आ जाएगा √5। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx/25cos²x + 16sin²x। सो यहाँ पे आपका a² है 25 और b² है 16, सो a आपका बनेगा 5 एंड b आपका बनेगा 4। सो हमारा जो डायरेक्ट फॉर्मूला था वो क्या था, π/2ab, राइट? यस, सो यहाँ पे आपका आएगा π/2ab व्हिच इज इक्वल टू π/2 × 5 × 4 व्हिच विल बी π/40। देखा कितना सिंपल है। रिमेम्बर वन थिंग, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया यहाँ पे, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, पर अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करती तो मुझे इससे भी कम टाइम लगता सॉल्व करने में। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका a² 49 है और b² आपका 11 है, जबकि मैंने आपको ये बात बताया था परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब भी चलेगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका a है वो आपका 7 है और b आपका क्या है, √11। यस, √11। सो हमारा आंसर आएगा π/2 × 7 × √11, सो दिस विल बी 14√11। हाउ सिंपल, राइट? नाउ कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, यहाँ आप देखिए, यहाँ हमारा a² 36 है, b² आपका है 4, सो यहाँ पे a आपका क्या है 6 और b 2। सो यहाँ पे आपके फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, π/2 × 6 × 2 व्हिच विल बी π/24। दैट्स इट। आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड द वीडियो इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। इफ सो देन लाइक इट, कमेंट ऑन इट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉट, yes, hit the bell icon. Bye.